हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का शोर थम चुका है और अब सबकी नजरें 21 अक्टूबर को होने वाले मतदान और 24 अक्टूबर को आने वाले नतीजों पर रहेंगी। एक तरफ चुनाव प्रचार के बाद पार्टी के उम्मीदवार तैयार हैं तो वहीं दूसरी ओर प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। एक रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में चुनावी शोर थम चुका है और इस शोरगुल में वादों, नारों और दलों का हो हल्ला सब शांत हो चुका है। लेकिन वादों की इस बयार को जनता के बीच पहुंचाने के बाद अब वक्त है जनता के मत का, यानी अब समय है जनता का, जब वो विचार करेगी कि आखिर किसको वो अपना पसंदीदा मानती है। हरियाणा की 14वीं विधानसभा के गठन के लिए 21 अक्टूबर को मतदान होना है। ऐसे में चुनाव से पहले प्रचार थम चुका है। रैली, रोड शो, जनसभाओं, नुक्कड़ सभाओं का दौर अब खत्म हो चुका है। हरियाणा के इस चुनावी दंगल में सभी दलों के बीच दिलचस्प चुनावी मुकाबला होने जा रहा है, जिसके परिणाम 24 अक्टूबर को आएंगे। लेकिन इस सब के बीच हरियाणा के हर नेता, हर दल ने पुरजोर कोशिशें की कि वो जनता तक अपनी पार्टी की नीतियों को बता सकें, अपने रोड मैप को दिखा सकें। ऐसे में स्टार प्रचारकों का रैला भी हरियाणा में खूब रहा, लेकिन कितना सितारों की बातों को लोगों ने समझा और कितना भरोसा जनता ने किया, ये तो 24 तारीख को आने वाले नतीजों से साफ हो जाएगा। हरियाणा विधानसभा तक पहुंचने के लिए 90 विधानसभा सीटों पर 1168 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला होना है। वहीं करीब 2.5 करोड़ की आबादी वाले हरियाणा में 1,83,00,000 मतदाता भी अपनी पसंद की नई सरकार चुनने को तैयार हैं। राज्य में कुल 90 विधानसभा सीटें हैं। हरियाणा में करीब 1,83,00,000 मतदाता हैं। इस बार 98,33,323 पुरुष और 84,65,152 महिलाएं लोकतंत्र के महायज्ञ में आहुति डालेंगी। वहीं अब नई तकनीक आने के बाद पर्ची पर मोहर लगाने के बजाय बटन दबाने का चलन शुरू हो चुका है। तकनीक के बूते मतदान प्रक्रिया को अधिक से अधिक पारदर्शी बनाया जा रहा है, लेकिन 100% मतदान का लक्ष्य अभी भी अधूरा है। हालांकि अधिकतम वोटिंग के लिए आयोग के प्रयास रंग लाए। जब साल 2014 में हुए विधानसभा चुनावों में मतदान फीसद 76.13 पहुंच गया। इसके साथ ही हरियाणा गठन के बाद पहले विधानसभा चुनाव में मतदान का रिकॉर्ड टूट गया। 5 दशक पहले हुए चुनावों में तब 72.65% लोगों ने वोट डाले थे। हरियाणा 1967 से 2019 तक पहुंचते कई पड़ाव पार कर चुका है। साक्षर होने से लेकर हर मायने में जनता जागरूक हुई है, लेकिन चुनाव का मत प्रतिशत बढ़ाने में आयोग के पसीने छूट गए। केंद्रीय चुनाव आयोग और हरियाणा निर्वाचन विभाग भी इसे लेकर पशुपेश में है कि आखिर क्यों लाख कोशिशों के बावजूद 100% मतदान आज भी सपना ही है। केंद्रीय चुनाव आयोग और राज्य निर्वाचन विभाग ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए खिलाड़ियों, कलाकारों तक का सहारा लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन 100% मतदान के जादुई आंकड़े के पास पहुंचना तो दूर, मुश्किल से 75 का आंकड़ा ही पार कर सका है। विधानसभा चुनावों में पड़े वोट, 1967 में 43,87,980 मतदाताओं ने हिस्सा लिया, जिनका मतदान प्रतिशत 72.65 रहा। साल 1968 में 45,52,539 मतदाताओं ने हिस्सा लिया, जिनका मतदान प्रतिशत 57.26 रहा। वहीं 50,91,082 मतदाताओं ने हिस्सा लिया तो कुल मतदान प्रतिशत 1972 में 70.46 रहा। वहीं साल 1977 में 59,38,821 कुल मतदाता रहे, जिनका मतदान प्रतिशत 64.46 रहा। वहीं 1982 में 71,52,281 कुल मतदाता रहे, जिनका मतदान प्रतिशत 69.87 रहा।
वहीं 1987 में 87,628 कुल मतदाता रहे, जिनका मतदान प्रतिशत 71.24 रहा। साल 1991 में 97,31,912 कुल मतदाता थे, जिनका कुल मतदान प्रतिशत 65.86 रहा। 1996 में 1,11,55,242 कुल मतदाता रहे, जिनका मतदान प्रतिशत 70.54 रहा। साल 2000 में 1,11,53,183 कुल मतदाता रहे, जिनका मतदान प्रतिशत 69.01 रहा। साल 2004 में 1,27,35,888 कुल मतदाता रहे, जिनका मतदान प्रतिशत 71.96 रहा। वहीं 2009 में 1,31,16,965 कुल मतदाता रहे, जिनका मतदान प्रतिशत 72.29 रहा। वहीं 2014 में ये संख्या बढ़ी और 1,63,03,742 तक पहुंची और इनका मतदान प्रतिशत 76.13 रहा। बाजार के अंदर लेग मार्च निकाला था जो राजस्थान पुलिस और अपनी हरियाणा पुलिस के साथ जो कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए लेग मार्च। फ्लैग मार्च रूटीन एक्सरसाइज है ड्यूरिंग इलेक्शंस और पहले भी हम निकालते रहे हैं, लगातार हमारा फ्लैग मार्च चल रहा है। आज भी फ्लैग मार्च जो निकाला है, हमारे साथ लगभग 250 के करीब जवान हैं और ये फ्लैग मार्च दोनों तरह का है, जो गाड़ियों का फ्लैग मार्च होता है वो भी और फुट पेट्रोल भी। आम लोगों से अपील पहले भी मैं कर चुका हूँ, अभी करूँगा कि किसी के बहकावे में ना आए और ईमानदारी से निष्पक्षता से अपना मत जो आपका है अधिकार मतदान करें। हमने यहाँ पर बहुत अच्छी सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है। आप देख रहे हैं मेघालय पुलिस की भी एक कंपनी हमारे साथ काम कर रही है, लगातार हम यहाँ टाइम टू टाइम हमने फ्लैग मार्च किया है। 11 पेट्रोलिंग पार्टी हमारी काम करेगी, जिसमें जो मेरी एक अलग से एक पेट्रोलिंग पार्टी है, SHO है और एडिशनल SHO को भी एक अलग से पेट्रोलिंग पार्टी दी गई है, जिसमें हम लगातार हमारी इस प्रकार से हमने एक सिस्टम बनाया है कि प्रत्येक पोलिंग पार्टी पर अगर कोई दिक्कत आती है छोटी मोटी तो उसमें विद इन 10 मिनट हमारी पेट्रोलिंग पार्टी पहुंचेगी। तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना प्रशासन की ये बड़ी जिम्मेदारी है और हरियाणा में शांतिपूर्ण मतदान करवाना चुनौती। खैर, देखना बेहद दिलचस्प है कि हरियाणा की जनता किस पर अपना भरोसा जताती है और किसको हरियाणा का सरताज बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज़।